फ्रेंड्स, फर्स्ट जो थिंग है वो है मेडिसिन। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है तो गूगल करके देख लेता हूँ, कोई दवाई मिल जाए तो वही खरीद के खा लूँगा। बट क्या आप जानते हैं, गूगल में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनमें से 60% इन्फॉर्मेशन फेक है, यानी गलत है। मान लीजिए आपको सिंपल सा बुखार हुआ है, बट गूगल में ऐसे ऐसे आर्टिकल्स वीडियोज अवेलेबल है जो कि आपको बढ़ा चढ़ा के बता देंगे कि आपको टाइफाइड हुआ है या फिर मलेरिया हुआ है या फिर डेंगू हुआ है, बट आपको हुआ है सिंपल सा बुखार। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर कुछ भी फिजिकली प्रॉब्लम रहता है तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको जो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उन्हीं मेडिसिन को लीजिए, ना कि गूगल के बताए हुए मेडिसिन। फ्रेंड्स, सेकेंड जो थिंग है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कभी भी सर्च नहीं करना है, ओके? मतलब मान लीजिए आपका क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण से आपने सर्च कर दिया हाउ टू मेक ए बॉम्ब या फिर गन कैसे खरीदे, तो तुरंत साइबर सिक्योरिटी वाले आपको ट्रैक करने लग जाएंगे। अगर आप यही सब चीज़ें सर्च करते रहे, मतलब पहले आपने सर्च किया हाउ टू मेक ए बॉम्ब, उसके बाद आपने सर्च किया बॉम्ब बनाने की मटेरियल्स कहाँ पर मिलता है, तो इन सब चीज़ों को आप सर्च करते रहेंगे तो साइबर सिक्योरिटी वाले आपको ट्रैक करने लग जाएंगे और एक दो दिन के अंदर पुलिस वाले आके आपको आपके घर से उठा ले जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप करके देखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है मिल जाएगा। और ये कानून जो है हर एक कंट्री में अवेलेबल है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जितने भी कंट्रीज है, यूएस, उसके बाद अफगानिस्तान, हर एक कंट्री में अवेलेबल है। तो अगर आप बेकार में फंसना नहीं चाहते तो टेररिज्म के रिलेटेड चीज़ें कभी भी गूगल पर सर्च ना करें, गूगल का किसी भी सर्च इंजिन पर सर्च ना करें। फ्रेंड्स, थर्ड जो थिंग है वो है फ़ोन नंबर। मान लीजिए आपको किसी कंपनी का फ़ोन नंबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ़ोन नंबर, आपने गूगल पर सर्च किया तो गूगल आपको ये नंबर दिखा रहा है, बट ये नंबर जो है स्पैमर का भी हो सकता है, आपको तो पता नहीं है। आपने कॉल कर दिया और उसने बातों ही बातों पे आपसे अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड जो है मांग लिया है, और आप दे भी देंगे क्योंकि वो तो भाई स्टेट बैंक ऑफिसर है, अगर कोई स्टेट बैंक का बंदा मांगता है तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, देना ही पड़ता है हमें। उसके कुछ टाइम बाद आप देखिएगा आपका बैंक अकाउंट जो है पूरा का पूरा खाली हो चुका है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जिस भी नंबर को फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ़ोन नंबर, आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड इस लिंक के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर जो आपको वेरीफाइड नंबर मिलता है उसी नंबर पर आप कॉल कीजिए। और ये जो ट्रिक है आप हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी मोबाइल कंपनी की फ़ोन नंबर निकालना हो या फिर किसी स्मार्टफोन ब्रांड की, तो इसी चीज़ का आप यूज़ कीजिए, ना कि गूगल आपको जो नंबर प्रोवाइड करता है उसका। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो लास्ट दो थिंग भी आप जरूर से देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाके मुझे जरूर बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं थिंग नंबर फोर। और नंबर फोर जो थिंग है वो है कैंसर। कैंसर होने से पहले अगर आप सिम्टम पता कर ले कौन कौन सा सिम्टम दिखता है कैंसर होने पर, तो कैंसर को रोका जा सकता है, राइट? इसी चक्कर में बहुत सारे लोग गूगल पर सर्च करते हैं कैंसर को लेके, कैंसर सिम्टम को लेके। मैंने भी सर्च किया था जब मैंने नया नया इंटरनेट चलाना सीखा था, आपने भी सर्च किया होगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको गूगल में कैंसर रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनमें से 95% गलत है, और ऐसा किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक एंड पैसा गेन करने के लिए। अगर वहाँ पर कॉमन चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा तो उस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे ही क्यों? अगर आपको कुछ अननोन चीज़ दिखता है तो आपको पता चल जाएगा आप में कैंसर नहीं है, आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए वहाँ पे आपको कॉमन चीज़ दिखाया जाता है ताकि आप उस आर्टिकल को पढ़े। अगर इन चीज़ों से आप परेशान हैं, अगर आपने किसी ऐसे आर्टिकल को पढ़ा है तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए और किसी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको सच में कैंसर सिम्टम्स के बारे में जानना है तो आप डॉक्टर से ही पूछ लीजिए, ना कि गूगल से। फ्रेंड्स, फिफ्थ यानी लास्ट जो थिंग है वो है आईडी। मान लीजिए आपने गूगल पर सर्च किया सनग्लास करके, तो आप देखिएगा वो सनग्लास आपको हर जगह पे दिखने लग जाएगा, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हर एक सोशल मीडिया पे, या फिर आपको मोबाइल पे भी ऐड दिखाया जाएगा सनग्लास के बारे में। तो ऐसा कैसे होता है, गूगल पर आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल उस चीज़ को, आपने जो भी सर्च किया है, बहुत सारे कंपनीज के साथ शेयर करता है। अगर आपने गलती से भी किसी आईडीज वगैरह को शेयर कर दिया या फिर गूगल पर सर्च कर दिया तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, ये सब ना कभी आप गूगल पर टाइप करके सर्च मत कीजिएगा। अगर आपने गलती से भी कर दिया ना तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं भाई, कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक टेक्नोमाइंड उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।